हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज़। जैसे कि हम आपको पता ही है कि हम इनकम टैक्स बीकॉम सिक्स सेमेस्टर के सब्जेक्ट की जो सीरीज़ है हमने शुरू की है, तो इसमें सबसे पहले आपके सामने जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो दिख रहे हैं उसमें से मैंने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको करवा दिया है। आप उसकी वीडियो को चेक कर लेना, अभी मैं इसकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगी, तो वहाँ से वो क्वेश्चन आप चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसमें करवा रही हूँ, एक्सप्लेन द वेरियस प्रोविजन रिलेटेड टू क्लबिंग और एग्रीगेशन ऑफ इनकम। आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आपके एग्जाम में ये इन दोनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन जरूर जो है वो आपको पेपर में देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार दोनों क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो आज हम क्लबिंग ऑफ इनकम या एग्रीगेशन ऑफ इनकम का क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। गाइस, जो क्लबिंग ऑफ इनकम है इसमें, इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास मेनली 10 पॉइंट्स हैं करने के लिए जो हमने करने हैं क्लबिंग ऑफ इनकम में, तो इसको डिस्कस करते हैं। देखो, अगर हम कुछ भी कंटेंट को नहीं पढ़ते हैं और सिंपल डिस्कस करते हैं, तो उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है। क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब है कि एक पर्सन की इनकम में दूसरे पर्सन की इनकम का ऐड हो जाना, ठीक है। जैसे एक ये पर्सन है, इस पर्सन वैसे तो ये अपनी इनकम पर टैक्स देगा, कई बार क्या होता है कुछ केस इसमें दूसरे पर्सन की इनकम भी इसके इनकम में ऐड हो जाती है और ये पर्सन टैक्स पे करता है, तो इसे ही कहते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम, राइट। तो ये क्लबिंग ऑफ इनकम क्या है, इसके कौन कौन से सेक्शंस हैं, कौन कौन से रूल्स हैं, इनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कंटेंट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे पढ़ लेना, कि ये भी मैंने जो आपको बताया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरली जो पर्सन है वो अपनी इनकम पे टैक्स देता है, पर सम केसेस हैं जब उस दूसरे पर्सन की इनकम उसमें क्लब हो जाती है, और इसके जो सेक्शन है वो 60 से लेकर 65 तक इन प्रोविजन को एक्सप्लेन किया गया है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रोविजन इज ट्रांसफर ऑफ इनकम वेयर देयर इज अ नो ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, राइट। तो ट्रांसफर ऑफ इनकम वेयर देयर इज अ नो ट्रांसफर ऑफ एसेट, जैसे देखो आप हम एग्जांपल के थ्रू ही सारा डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझना इजी रहे। अगर आपको समझ आ गया तो आप उसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो। तो इस पॉइंट में मैं आपको ये एग्जांपल के थ्रू ही समझाती हूँ। उन्होंने क्या बोला, देखो, ट्रांसफर ऑफ इनकम, एक पर्सन है मिस्टर ए और उसकी वाइफ है मिसेस ए हो गई, ठीक है। ए ने क्या किया, एक कोई भी उसने ट्रांसफ़र की अपनी इनकम, ठीक है, कोई भी चीज़ से, हाउस, उसके पास एक हाउस प्रॉपर्टी थी, उसने हाउस प्रॉपर्टी से उसे रेंट पे दिया हुआ था, उसे उसे कोई इनकम हो रही थी, इसकी एक हाउस प्रॉपर्टी थी और हाउस प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दी हुई थी, तो इसे कोई इनकम हो रही थी, तो उसने क्या किया, अपनी इनकम को अपनी वाइफ को दे दिया, जो रेंट आ रहा है ना उसे हाउस से, उसे अपने वाइफ को दे दिया। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि टैक्स कौन देगा, जो रेंटल इनकम आई उस पर कौन टैक्स देगा। तो इस केस में जो सेम यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ट्रांसफ़र ऑफ इनकम, इनकम ट्रांसफ़र की इसे अपनी वाइफ को, वेयर देर इज़ अ नो ट्रांसफ़र ऑफ एसेट, एसेट तो नहीं ट्रांसफ़र की, हाउस प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफ़र की, सिर्फ उस हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र की, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा ना, अगर चाहे इसने अपनी इनकम को इसे ट्रांसफ़र कर दिया है, लेकिन टैक्स कौन पे करेगा, टैक्स पे करेगा मिस्टर ए, जिसकी वो चीज़ है, राइट। तो ये सेक्शन 60 यही कहता है कि आप जब इनकम ट्रांसफ़र करते हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, तो उस टाइम पे जो जिसके पास वो प्रॉपर्टी है वही पर्सन टैक्स पे करता है, ये इसकी इनकम में ही वो इनकम जो है वो क्लब हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, राइट। तो टैक्स कौन देगा, मिस्टर ए, ना कि उसकी वाइफ, चाहे उसने उसे इनकम ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन टैक्स कौन देगा, मिस्टर ए। तो ये आपको ये पॉइंट हेडिंग और ये एग्जांपल याद रहेगी, तो इसका कंटेंट आप खुद फ्रेम कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट इज रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। अब कई बार क्या होता है कि दो तरह की यहाँ पे एग्जांपल के साथ ही करते हैं, फिर आपको समझ आएगा। इसमें क्या है कि सेक्शन 63 है और इन्होंने क्या बोला है कि रेवोकेबल का मतलब होता है एक तरह से कंडीशन रख देना कि मैं तेरे से ये चीज़ थोड़े टाइम के बाद वापस ले लूँगा, ठीक है। जैसे मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, मिस्टर ए ने अपनी कोई एसेट को ट्रांसफ़र किया, एसेट हो गया जैसे हाउस प्रॉपर्टी है सपोज, उसे पूरी हाउस प्रॉपर्टी मिस्टर बी को ट्रांसफ़र कर दी और साथ में कंडीशन बता दी कि ये जो तुम हाउस प्रॉपर्टी है मैं 3 साल के बाद तुझे वापस ले लूँगा, 3 साल तक अपने पास तू रख ले, तो उससे जो होने वाली इनकम है उस पर कौन टैक्स देगा। उसने देखो, अगर तो उसे इस इनकम पे टैक्स कौन देगा, जो इनकम हो रही है, तो इस पे टैक्स देगा मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए टैक्स देगा और इसकी इनकम में ही वो क्लब हो जाएगी। और अगर सपोज करो ऐसा हो कि जो ए है
और बी दो पर्सन है, लाइफ टाइम के लिए उसने उसे ट्रांसफ़र कर दिया। कई बार क्या होता है, ए अपनी लाइफ टाइम के लिए बी को अपनी इनकम जो अपनी एसेट है वो ट्रांसफ़र कर देता है, तो उस केस में क्या है कि क्लबिंग जो नहीं होगी और बी पर्सन ही टैक्स देगा। मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ। अगर तो जैसे आप, ये आप हो, आपका फ्रेंड है, आपने अपने फ्रेंड को एक कोई प्रॉपर्टी दे दी और उसे बोल दिया कि तू अपने तू ये प्रॉपर्टी रख ले, 3 साल के बाद वापस दूंगा, वापस आ जाएगी, और उस हाउस प्रॉपर्टी से अगर कोई इनकम हो रही है तो उस पे टैक्स आप दोगे, ना कि वो पर्सन देगा, क्योंकि उसके एक्चुअल ओनर आप हुए, ठीक है। बट अगर आपने लाइफ टाइम के लिए दे दी तो वो सामने वाला पर्सन ही टैक्स पे करेगा। तो ये होता है रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज क्लबिंग में जो थर्ड प्रोविजन है वो है एनी सैलरी, कमीशन, फी और एनी अदर रेमुनरेशन रिसीव्ड बाय स्पाउस, रिसीव्ड बाय अ स्पाउस हैज़ अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द एंटिटी, ठीक है। इस यहाँ पे होगा इन द एंटिटी, वो लिख लेना। तो कई बार क्या होता है कि आपको, आप जैसे आप दो पर्सन हैं, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि एक पर्सन उसी कंपनी में काम कर रहा है, जैसे यहाँ पे हम दो पर्सन लेते हैं, एक ए है एक बी है, ठीक है। अब ए जो है उस कंपनी का जो हेड है, उस मतलब उस कंपनी में उसके शेयर्स हैं, ठीक है, एक कंपनी है उसमें उसके शेयर्स खरीदे हुए हैं, और बी मतलब ये इसका ओनर ही होगा, शेयर हैं, तो बी उसी कंपनी में उसकी वाइफ जो है वो काम कर रही है, वर्क कर रही है, तो उस केस में जो इसकी इनकम होगी, इसकी वाइफ की इनकम होगी, तो क्या ये टैक्स पे करेगी या इसकी इनकम में ऐड हो जाएगा, इसके रिगार्डिंग ये पॉइंट है। देखो ये कह रहा है कि ए सैलरी, कमीशन, फी और एनी अदर रेमुनरेशन रिसीव्ड बाय अ स्पाउस हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन विच अदर स्पाउस हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, ठीक है, दूसरे स्पाउस का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। इस पॉइंट को थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, बाई मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आएगा अदर स्पाउस हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, ठीक है, रिसीव्ड बाय स्पाउस इन विच अदर स्पाउस हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, दूसरे स्पाउस का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। जैसे देखो बी को कोई सैलरी मिल रही है इस कंपनी से, बी को किसी भी तरीके की कंपनी से सैलरी मिल रही है, तो इसमें इस कंपनी में ए का इंटरेस्ट है, ए के शेयर्स हैं, तो उस केस में क्या होगा, हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि जो ए है, जिसका इंटरेस्ट है ना कंपनी में, जिसने शेयर खरीदे हुए हैं, तो इसकी इनकम में ही इस अपनी वाइफ की इनकम, इसकी वाइफ की इनकम भी इसी के इनकम में ऐड हो जाएगी, ना कि इसे अलग से टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। पर कंडीशंस क्या हैं कि उसका 20% राइट होना चाहिए, वोटिंग पावर होनी चाहिए, 20% शेयर होना चाहिए, और इसकी एक्सेप्शंस क्या हैं कि ये रूल कब नहीं लगेगा, इनकम अगर मान लो इस पर्सन ने अपनी इनकम अपनी नॉलेज से या टेक्निकल क्वालिफिकेशन की वजह से उसे इनकम हो रही है तो ये वाला रूल नहीं लगेगा, तो ये खुद ही टैक्स पे करेगा, उसकी इनकम में क्लब नहीं, दूसरे की हस्बैंड की इनकम में क्लब नहीं होगा अगर इसके खुद की एक्सपर्टीज की वजह से उसे इनकम हो रही है, ठीक है। और नेक्स्ट इज अगर कहते दोनों का इंटरेस्ट हो, ठीक है, अगर इसका भी इंटरेस्ट है कंपनी में, इसने साथ काम भी करा है, कुछ शेयर्स भी लिए हुए हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, बोथ स्पाउस है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, तो जिसका ज़्यादा ज़्यादा इनकम होगी उसकी इनकम में एक ही पर्सन टैक्स पे करेगा, दोनों में से हायर इनकम वाला पर्सन जो है वो टैक्स पे करेगा, ठीक है। एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि अगर किसी कंपनी में आपने शेयर्स लिए हुए हैं, हम अपनी एग्जांपल ले लेते हैं, हमने शेयर लिए हुए हैं, और अगर आप मैरिड हो तो आपकी सपोज आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड ने उसी कंपनी में वर्क कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में जिस पर्सन ने शेयर लिए हुए हैं तो वही पर्सन इकट्ठा ही टैक्स पे कर देगा, ना कि जो उसकी वाइफ है वो अलग से टैक्स पे करेगी या क्लब करवाएगी इनकम को, ठीक है, टैक्स पे करेगी, तो क्लब हो जाएगी उसके हस्बैंड की इनकम में। वाइफ का भी हो सकता है कि वाइफ के शेयर हो, हस्बैंड वर्क कर रहा हो, तो ऐसे ही उस केस में होगा। बट ये कुछ कंडीशंस आपको ध्यान रखनी होंगी, कब नहीं होता हैड और कब अगर दोनों का इंटरेस्ट है तो कैसे होगा, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट था, मैंने सिर्फ एग्जांपल्स के थ्रू ही इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है, आपके लिए ईजी रहेगा। नेक्स्ट हर में ऐसा ही है, जिसने ट्रांसफर किया है वही जनरली सब में सेम ही चीज़ है, कि बस हेडिंग्स मेनली आपको लर्न करने वाले हैं। फोर्थ इज इनकम फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर टू द स्पाउस विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन। अगर किसी एसेट से कोई इनकम हो रही है और हम क्या करें उसे स्पाउस को दे रहे हैं अपने विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, जैसे मिस्टर शिव है वो क्या कर रहा है, उसने उसके पास कुछ डिबेंचर्स थे, उसने अपनी वाइफ को दे दिए और उस पर कुछ इंटरेस्ट भी हो रहा है, ठीक है, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट भी हो रहा है, और जो जो इंटरेस्ट है वो तो इंटरेस्ट इनकम जो है इसमें क्लब, मिस्टर शिव जो है उसकी इनकम में क्लब हो जाएगा और मिस्टर शिव ही जो है टैक्स पे करेगा, ठीक है। अगर मान लो उसके पास 50,000 के डिबेंचर थे, उसे कोई इंटरेस्ट इनकम हो रही थी, उसने अपनी वाइफ को दे दी, तो अंडर लव एंड अफेक्शन, तो उस इनकम पे टैक्स तो है मिस्टर शिव ही पे करेगा।
आपको मेन हेडिंग लर्न करने वाले हैं, बाकी एज इट इज ही हैं, सब में सेम ही चीज़ है. इनकम फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन. अब मिस्टर राम कुमार एक पर्सन है, ठीक है, उसका बेटा है, एक सन है, उसकी वाइफ है, ठीक है, तीन लोग हैं. मिस्टर राम के पास कोई 50,000 की कोई मतलब एसेट होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, अगर उससे कोई उसे इनकम आ रही है, उसने अपनी वाइफ, उसने अपने सन की वाइफ को दे दी वो चीज़, ठीक है. राम, मिस्टर राम कुमार का ये सन है, उसने उसकी वाइफ को ये चीज़ दे दी, जो इनकम है वो दे दी. अब जो टैक्स कौन देगा, उसकी, उसके सन की वाइफ नहीं देगी टैक्स, वो खुद ही पे करेगा, ठीक है. ये चीज़ यहाँ पे है कि इनकम फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, उसे उसके बदले में कुछ भी लिया नहीं है, तो उस केस में मिस्टर राम कुमार जो है वो टैक्स पे करेगा या इसकी इनकम में क्लब हो जाएगा. नेक्स्ट इज एसेट ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस. कई बार हम क्या करते हैं, जैसे मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, मिस्टर ए अपना हाउस मिस्टर बी अपने फ्रेंड को दे देता है कि उससे जितनी भी इनकम होगी तू मेरी वाइफ को देता रहना, हाफ तू रख लेना, हाफ मेरी वाइफ को दे देना. तो इससे अपने स्पाउस के, मतलब अपने स्पाउस के बेनिफिट के लिए किसी एसेट को किसी को दे रहे हो आप, तो इस पे इनकम जो टैक्स होगा, वो जो भी आपका टैक्स बनता होगा वो भी आप ही पे करोगे, ना कि दूसरा पर्सन पे करेगा, तो इसकी मिस्टर ए की इनकम में वो क्लब हो जाएगी, ठीक है. आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं किस तरह से आपको बताना चाह रही हूँ, कि आप इसी फॉर्म में भी लर्न कर लीजिए. इसी फॉर्म में आपको समझ आ गया तो आप किसी भी फॉर्म में लिख भी सकते हो इन चीज़ों को. नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर टू अ पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ. सिमिलरली बस हेडिंग चेंज है, मिस्टर राम है ये, उसने अपने फ्रेंड को हाउस प्रॉपर्टी दे दी और कहता जितनी उससे इनकम होगी तो मेरे बेटे की, मतलब उसके सन की वाइफ को दे देना, ठीक है, मेरे बेटे की वाइफ को दे देना, उसने जनरली ये टर्म यूज़ की होगी. तो उस केस में भी वो टैक्स कौन देगा, मिस्टर राम ही देगा, ना कि उसके सन की वाइफ देगी या उसका फ्रेंड देगा, राम ही देगा, क्योंकि इनकम तो उसके घर में ही यूज़ हो रही ना एक तरीके से, तो वो टैक्स क्लब हो जाएगी राम की इनकम. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन इन द बिजनेस. तो इसमें आपको एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप एज इट इज़ लर्न कर लेना कि बिजनेस इनकम क्या है, ये इंटरेस्ट है, इसको आप एज इट इज़ कर सकते हो, ठीक है. इन्वेस्टमेंट है तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा क्रैम करने वाला, ये फॉर्मूला आपकी फॉर्म में है, ये आप थोड़ा पढ़ लेना. नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम द माइनर. ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में अलग से भी पूछ सकते हैं कि माइनर चाइल्ड है तो उसकी इनकम उसके पेरेंट्स की इनकम में ऐड हो जाती है, तो वो पेरेंट टैक्स पे करते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोविजन है, ठीक है. सिंपल, अगर कोई माइनर चाइल्ड है तो उसकी जो इनकम है उसके पेरेंट की इनकम में क्लब हो जाएगी. इतना आपको क्लियर है. कुछ कंडीशंस और भी हैं कि अगर देखो, ये सब कुछ आपको तब समझ आएगा, मैं सिंपल टर्म में बताती हूँ आपको कि एक माइनर चाइल्ड है उसकी इनकम जो उसके पेरेंट की इनकम में प्लस हो जाती है, और एक बार जिस पेरेंट की इनकम में प्लस होनी शुरू होगी उसी पेरेंट्स की इनकम में वो प्लस होगी. ऐसा नहीं है कभी वो अपनी मदर की इनकम में प्लस करवा लेता है अपनी इनकम, कभी अपने फादर की इनकम में, ऐसा नहीं हो सकता. अगर हर साल फादर की इनकम में क्लब होके जाती है तो हर साल फादर की इनकम में ही क्लब होगी, अनलेस कि असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाए, असेसिंग ऑफिसर या ऑफिसर टैक्सेशन अथॉरिटी मान जाए, या आपकी कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन के साथ बात हुई हो. इसके अलावा बाकी सारे केसेस में ऐसा ही होता है. नेक्स्ट एक और चीज़ है कि जब जो आपका माइनर है, कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने आपको ये वाला पॉइंट बताया कि वो जो उसको मेंटेन कर रहा है, मतलब उस चाइल्ड को जो रख रहा है, उसकी इनकम में ऐड होगा और हमेशा उसी की इनकम में ऐड होगा. नेक्स्ट है, ये वाली प्रोविज़न नहीं लगती है, क्लबिंग वाली, अगर माइनर चाइल्ड जो है वो खुद काम कर रहा है, उसकी टेक्निकल स्किल्स की वजह से उसे इनकम हो रही है, तो वो उसकी इनकम अपनी पेरेंट की इनकम में क्लब नहीं होगी, उसकी अलग से रिटर्न जाएगी, वो खुद नहीं फाइल करेगा, मतलब उसके पेरेंट्स की इनकम में क्लब नहीं किया जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट इज, अब मान लो उसके फादर की इनकम में उसकी इनकम हर साल क्लब हो जाती है और उसका फादर टैक्स पे करता है, तो उस सिचुएशन में उनके जो फादर होंगे, जो भी माइनर चाइल्ड होगा उसका जो फादर होंगे, उन उसके फादर को 1500 रुपये यानी कि 1500 रुपीज़ और एक्चुअल विच एवर इज़ लेस, जो कम होगी अमाउंट उतने की डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है. 1500 और एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज़ लेस, उसे उतनी अमाउंट की जो है वो डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है. नेक्स्ट 10th पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी टू HUF इन विच ही हैज़ अ मेम्बर. ट्रांसफर ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी टू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. इस केस में क्या होगा कि मान लो कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ठीक है, और
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में क्या है कि अगर उसकी फर्स्ट पॉइंट है द इनकम ड्राइव फ्रॉम द कन्वर्टेड प्रॉपर्टी और एनी पार्ट शैल बी डीम टू द राइजिंग टू द इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल पर्सन की इनकम मानी जाएगी। और दूसरा क्या है कि अगर कन्वर्टेड प्रॉपर्टी मान लो कोई मान लो पार्टीशन होनी बाकी है अभी उसकी और वो उसने दे दी है, तो उस केस में 64 सेक्शन जो है वो अप्लाई होगा। तो इस तरीके से आप इसको मतलब लिख सकते हो दो पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका क्लबिंग वाला क्वेश्चन हो गया। आई थिंक आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो मतलब नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर वैसे तो मैंने पूरा करवाने की कोशिश की है लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना नीचे कमेंट सेक्शन में। और नेक्स्ट हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।